Hi everybody the world is full of magic things patiently waiting patiently waiting for our senses to grow sharper today is 22nd of september 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in morning we are having five such multiple choice questions join

इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है लिक्विडिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोवर्ड बाय द सेंट्रल बैंक तो इसका मतलब है इट विल इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन इससे ज़्यादा पैसा बैंक के हाथ में आएगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी सप्लाई साइड मेजर्स टू कंटेन इन्फ्लेशन क्या हो सकता है सप्लाई साइड सप्लाई साइड अगर हम पीडीएस के थ्रू पीडीएस के थ्रू जैसे कई बार आप देखो अनियन गवर्नमेंट ने सेल किए पल्सेस सेल किए तो पी के थ्रू भी अगर गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा देती है तो ओवरऑल सप्लाई की बॉटल नेक से जो इन्फ्लेशन आया था वो टेम हो जाता है सो मेंटेनिंग प्राइस लेवल्स थ्रू एन इफेक्टिव पी आज के सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ अफ्रीका ड्रीन्स इन द मेडिटरेनियन सी मेडिटरेनियन सी

ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई आर द पार्ट ऑफ इट्स व्हाट ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके अंदर कहा जाएगा सो so ये पांच सवाल हैं आज के लिए आज की वोकैबुलरी है वेग है वेग है मतलब अनिश्चित है रफ है मोरलेस अप्रोक्सीमेट है पॉसिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना अज्यूम एज अ फैक्ट पुट फॉरवर्ड एज अ बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट कैस्टिगेटेड मतलब आलोचना करना रिप्रामेंट सीवियरली इन एडवर्टेंस मतलब असावधानी असावधानी फेलियर टू गिव सफिश अटेंशन टू अवॉइडिंग हार्म और एरर नेग्लिजेंस सवाल पढ़ने पे नेग्लिजेंस होता है जल्दबाजी होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं सो so, असावधानी नहीं होना चाहिए केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए दो बार सवाल को पढ़ो गलती नहीं होनी चाहिए एलोक्वेंस का मतलब होता है वाग्मिता फ्लुएंट और परजुवेजिव स्पीकिंग और राइटिंग और रेटोरी स्किल्स सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज सी सेट दिस इज क्वेश्चन नंबर वन आपको बताना है इस पैसेज में अजम्शन क्या है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर टू आपको बताना है मैथ्स डू द मैथ्स एंड टेल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी किसके पास गया सो so, ये दो सवाल है सी सेट के लिए फॉर टुडे नाउ लेट इस कम टू आंसर राइटिंग सो ट्वेंटी फर्स्ट नहीं आज ट्वेंटी सेकेंड है टूडे इज ट्वेंटी सेकेंड सो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के ये दो सवाल हैं पहला सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द राइनो राइनो डे है आज सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द राइनो पॉपुलेशन राइनो स्पीशीज के बारे में बताइए इंडिया में कौन सी स्पीशीज मिलती है सब स्पीशीज देन किस लोकेशन में मिलती है प्रिलिम्स का फेवरेट सवाल है राइनो सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई द्रेट्स एंड लिस्ट डाउन द कंजर्वेशन एफर्ट्स बींग मेड सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डू इट नोट प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्री एम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्री एम्बल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो प्रिपेयर अन द प्री एम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इट्स के मायने क्या है नाउ लेटस कम टू दिस दिस सोशल मीडिया अपडेट जो फर्स्ट न्यूज है फर्स्ट न्यूज है सो सी थीम क्या है टुगेदर वी कैन प्रोटेक्ट देम टुगेदर टुगेदर ये जो ओलंपिक्स हुए थे ना ओलंपिक्स के पहले एक तीन कीवर्ड्स होते थे तीन कीवर्ड्स होते थे इसमें एक नया कीवर्ड ऐड हुआ था वो कीवर्ड है टुगेदर सो द आइडिया इज वी लिव टुगेदर वी स्विम टुगेदर वी सिंग टुगेदर अकेले कोई काम नहीं होता है टुगेदर होना ज़रूरी है वी शुड कम टुगेदर अब आप ये बताओ ओलंपिक्स के ये तीन कीवर्ड्स क्या है ये तीन कीवर्ड्स क्या है मोटो ऑफ ओलंपिक्स जिसमें ये टुगेदर वर्ड ऐड हुआ था सो द आइडिया इज अगर राइनो कंजर्वेशन करना है जैसे अभी चीता री इंट्रोडक्शन भी हुआ है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस है इंडियन राइनोसोरस है इट इज कैरेक्टराइज बाय सिंगल हॉर्न दिस इज सिंगल हॉर्न ये प्रेजेंट है इन बोथ द सेक्सेज दोनों मेल फीमेल में होता है ये हॉर्न और ये लार्जेस्ट है राइनो स्पीशीज का एनिमल सॉलिटरी होता है सेवरल में ऑक्यूपाई द सेम बैच ऑफ फॉरेस्ट ऑफ वॉटर होल्ड सो दिस इज वर्ल्ड राइनो डे एंड इंडियन रायनासोरस आप हैं हुमी जहांगीर भाभा फॉर ईच मैन कैन डू बेस्ट एंड एक्सेल इन ओनली दैट थिंग ऑफ विच ही इज पैशनेटली फोन In which he believes, as I do, that he has the ability to do it. That he is in fact born and destined to do it. Born and destined to do it. jo aapka talent hai jis kaam mein aapka strength hai उस strength में आपको proper timing है, proper guidance है और proper effort है, तो आप unparalleled success उस field में आपको मिलेगी। दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल आइकन्स तो दिस इज अगेन गुड रिकॉग्निशन हो रहा है नेशनल आइकन्स जैसे कि पंच तीरथ है बीइंग डेवलप टू ऑनर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो पंच तीरथ क्यों है टू ऑनर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रिब्यूट है सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया नेशनल वॉर मेमोरियल है टू बिल्ड द ऑनर ब्रेव मार्टर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ब्रेव मार्टर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव भी डेडिकेट किया गया है तो दिस इज रिकोगगनाइज कर रहे हैं हम नेशनल आइकन्स को नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ब्यूटिफुल है नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट ऑल स्टेट कैपिटल्स टू बी कनेक्टेड बाई रेलवे बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्प्रेड नहीं हो पाया और वहाँ पर एक एलियनेशन आ जाता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है सो दैट इज वाई कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बांग्लादेश एंड म्यांमार बांग्लादेश एंड म्यांमार एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है टेल देन इसके अलावा इकोनॉमिक पोटेंशियल है टूरिज्म सो ब्यूटिफुल नॉर्थ ईस्ट इज सो ब्यूटिफुल टूरिज्म एग्रीकल्चर है झुम भी होता है यहाँ फॉस्टरिंग डेवलपमेंट थ्रू पीस ट्रीटीज यहाँ पे पीस लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है अभी नॉर्थ ईस्ट के जो स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर डूइंग सो वेल अभी ओलंपिक्स में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया था कैन यू आइडेंटिफाई दिस स्पोर्ट्स पर्सन आपका नाम क्या है टेल कैन यू आइडेंटिफाई दिस स्पोर्ट्स पर्सन आंसर नाउ ये है टेन प्लेसिज दैट वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एट लास्ट ईयर लास्ट एट ईयर जैसे कि रानी की वाव पाटन गुजरात में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंचनजोंगा नेशनल पार्क आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कार्बोजियर ये क्या वर्क है बताइए ली कार्बोजियर का वर्क बताइए आर्किटेक्चरल वर्क नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार की अहमदाबाद सिटी है विक्टोरियन गौते एंड नॉर्थ डेको मुंबई है जयपुर सिटी है रामप्पा अपा टेम्पल है एंड धोलावीरा गुजरात धोला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो ये है वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं इन पास्ट समटाइम दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट देन ये है सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड का हाइएस्ट एल्टीट्यूड पे बैटल फील्ड है उन्नीस हजार इकसठ फीट इसकी हाइट है सो so, यहाँ अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी आ रही है जो सोल्जर्स को हमारे सोल्जर्स ब्रेव सोल्जर्स इसको गार्ड करते हैं इंडिया का ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया का कंट्रोल है हमारे सोल्जर्स इसको गार्ड करते हैं और पोजिशन बहुत डिफ़िकल्ट पोस्ट है ये और बहुत डिफिकल्टी है वेदर इज एक्सट्रीम सो द पॉइंट इज यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी भी मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर्स में फैंटेस्टिक दिस इज़ कृतज्ञ थ्री पॉइंट ओ नेशनल लेवल हैकाथॉन होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस हैकाथॉन हैकाथॉन का मतलब क्या होता है एंड दिस इज़ फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट क्रॉप इंप्रूवमेंट तो एक प्रॉब्लम दिया है एग्रीकल्चर रिलेटेड उसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स फैकल्टीज ऑन्ट्रप्रो इनोवेटर्स ये सब फाइन करेंगे सो दिस इज कृतज्ञ थ्री पॉइंट ओ सो ये हुआ सोशल मीडिया अपडेट Now let us come to the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper Delhi edition and this is Indian Express. This is also Delhi edition. आज की जो प्रिलम्स की क्लास होगी तो आज भी हम इकोनॉमी पढ़ेंगे आज हम कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे कल हमने मनी मार्केट पढ़ा था लेस देन वन ईयर आज हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे जब एक साल से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पैसा इन्वॉल्व है इसमें हम सिक्योरिटी मार्केट्स देखेंगे से के बारे में जानेंगे और क्विज भी करेंगे साथ ही साथ आज गूगल मीट सेशन्स भी होंगे ग्रुप सेशन जिसमें माइक ऑन करके वी विल हैव वन टू वन वन टू वन टॉक ओके सो नाउ लेट लेटस कम टू द हिंदू न्यूज पेपर आंसर राइटिंग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो डिस्कस करूंगा सो दिस इज द हिंदू दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज

एंड अशेल डैमेज वाटर पाइप एट दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ये जो चेरनोबिल है चेरनोबिल में भी एक न्यूक्लियर पावर डिजास्टर हुआ था तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बताया सोल्जर्स हैं रशिया के पास और रशिया डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकता है ये बिगेस्ट एस्कलेशन है यूक्रेन वॉर का सिंस मॉस्को फेबररी ट्वेंटी फोर्थ इन्वेजन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अवर कंट्रीज थ्रेटन मीन टू प्रोटेक्टर स्टेटमेंट तो दस वेट एंडलिस्ट्री एक्सटर्नलता है इनकी हमें जानकारी है इसको कर लिया था ये लोहानस्क रीजन है दिस इज़ लोहानस्क रीजन एंड ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे रशिया बताता है कि दिस एरिया शुड बी विद रशिया दिस एरिया शुड बी विद रशिया बिकॉज ऑफ से डेमोग्राफी एट्सट्रा और इसके लिए रशिया ने इन्वेजन वर्ड यूज़ नहीं किया स्पेशल ऑपरेशन वर्ड यूज़ किया स्पेशल ऑपरेशन में रशिया यहाँ एंटर करके बिकॉज रशियन ओरिजिन पीपल को डिफ़िकल्टी है लाइक दैट रशिया ने ये स्पेशल ऑपरेशन यहाँ पे किया था यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम ये आया कि यूक्रेन पहले फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट था बट यूक्रेन ने इनिशिएशन यूक्रेन ने बताया इंटरेस्ट दिखाया कि यूक्रेन मिलना चाहता है नेटो में नेटो में और वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर हमने पढ़ा है कोल्ड वॉर के टाइम पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो नेटो है नेटो एक मिलिट्री ब्लॉक बना था लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो रशिया थ्रेटन फील करता है कि मॉस्को की प्रॉक्सिमिटी में दिस नेटो एक मिलिट्री ब्लॉक इतना एक्टिव हो गया है और अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनेगा और नेटो में ऐसा होता है कि अगर एक मेंबर पे अटैक हुआ तो, तो देट वुड बी कंसिडर्ड अटैक ऑन द एंटायर ग्रुप एंटायर नेटो सो so, अगर नेटो बैकयार्ड ऑफ रशिया में आ जाएगा तो रशिया थ्रेटन फील करेगा और दैट इज बाय रशिया ने यूक्रेन को नेटो से जुड़ने के लिए वॉन भी किया था अब ये पूरा इस बैकड्रॉप में है यहां पर दिस पावर स्ट्रगल चल रहा है रशिया अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी है आफ्टर 1991 उसको वापस अचीव करने का ट्राई कर रहा है और यूएस अपनी जो लूजिंग हेजेमनी है वर्ल्ड लेवल पे उसको वापस रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है सो so, एक्चुअली जो यूक्रेन है एक्चुअली जो यूक्रेन है ये एक बैटल ग्राउंड है बैटल ग्राउंड है बिटवीन दीज टू जैंट्स दैट्स ऑल अब यहाँ एक और एंगल आता है चाइना का इस चाइना से हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए तो लेट अस सी पुतिन मोबिलाईज मोर्ड रूप से न्यूक्लियर थ्रेट नॉट अ ब्लफ अब इंडिया ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनडायरेक्टली कहा भी कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर बट एट द सेम टाइम हमने रशिया से ऑयल भी परचेस किया है यू में हम एबसेंट भी थे और लेट अस सी दिस इज शो ऑफ स्ट्रेंथ नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर यूनाइटेड एफर्ट्स सी टीम में हमेशा पावर होता है टीम में पावर होता है स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर इन अ स्कूल बड़गाम वेंसडे। सो दिस इज रियली गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल में ऐसा होना चाहिए दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग सेंचुरी लेटर निजाम सॉर्ड टू सेन टू इंडिया सो दिस इज अगेन गुड फोर्टीन सेंचुरी का सरपेंड स्नेक शेप का ये सॉर्ड है तलवार डिस्प्ले ड्यूरिंग अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप सेरेमनी इन ग्लासगो लास्ट मंथ यूके की एक्चुअली रेपुटेशन है ये जो लंदन है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है एक टाइम था ब्रिटेन के एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता था मतलब वो इंडिया से लेके अमेरिका तक एवरीवेयर ब्रिटेन की कॉलोनीज थी सो so, ऐसा बोला जाता था ब्रिटेन के एम्पायर में ब्रिटेन की कॉलोनीज किंगडम में कभी भी सनसेट नहीं होता देर इज़ ऑलवेज सन यहाँ पर ब्रिटेन एम्पायर बट इसके बाद फिर डी हुआ वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन वीकन भी हो गया बट द पॉइंट इज इस पूरे कोलोनाइजेशन स्प्री में ब्रिटेन ने इंडिया ही नहीं हर जगह अफ्रीका ले लो अमेरिका देख लो साउथ अमेरिका हो गया अफ्रीका हो गया एवरीवेयर यहाँ जो भी जो एंटीक्स हुए या फिर इस टाइप के जो वैल्यूएबल्स वेल्यूएबल पीसेस थे ये सारे पीसेस ब्रिटेन ने वहाँ से उठा के दिस जो ब्रिटिश म्यूजियम है यहाँ पर इनको स्टोर कर दिया ब्रिटिश म्यूजियम इज़ वेरी रिच ब्रिटिश म्यूजियम इज़ वेरी रिच तो वहां इस टाइप के सारे आपको दिस डिस्प्ले में मिल जाएंगे अब कंट्रीज बोलती है कि हमारा कोहिनूर वापस करो हमें तो दैट इज अगेन दैट इज ऑल्सो वन जायज डिमांड दैट इज ऑल्सो वन वैलिड डिमांड सो अ सेंचुरी लेटर निजाम सेट टू रिटर्न टू इंडिया सो सेवन ऑब्जेक्ट्स हैं अभी रीपेट्रिएटेड हुआ है रीपेट्रिएटेड रीपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है बताइए दिस इज रीपैट्रिएशन बाय ग्लासगो लाइन सो नाइनटीन ओ में ये तलवार परचेज किया था दिस हंटर कमांडर बॉम्बे ने एंड देन ये ब्रिटिश म्यूजियम चला गया था ग्लासगो लाइफ म्यूजियम में गया था और देन ये वापस रिटर्न हो रहा है दिस इज दैर सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दैन दिस इज़ फ्रोजन क्रूज पोर्ट ऑफ कॉल है पोर्ट ऑफ कॉल है विशाखापट्टनम में एंड दिस चेन्नई वाया पुडुचेरी सो so, दिस इज़ ये जो विशाखापट्टनम है ना ये बहुत ब्यूटिफुल पोर्ट है और ये ऐसा डिज़ाइंड है विशाखापट्टनम का पोर्ट कि अगर सुनामी या कोई साइक्लोन ऐसा थ्रेड भी आता है तो ये बड़ा शील्डेड रहता है ये विशाखापट्टनम का पोर्ट दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल वाइजाग इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल इसरो सक्सेसफुली टेस्ट हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम टू एड फ्यूचर टेक्नोलॉजी ये जो फ्यूल होता है फ्यूल सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो लिक्विड फ्यूल में कैरी करना स्टोर करना डिफिकल्टी होती है वी ट्राई टू मूव टूवर्ड्स सॉलिड फ्यूल सॉलिड फ्यूल बिकॉज रॉकेट्स को फ्यूल चाहिए रॉकेट्स को फ्यूल चाहिए लिफ्ट एनर्जी के लिए अब प्रॉब्लम एक और आती है कि अगर रॉकेट सुपर स्पीड में चल रहा है तो इस सुपर स्पीड में कम्बशन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड तो हमें कम्बशन हाई स्पीड में करना है हाई स्पीड में करना है सॉलिड फ्यूल भी है इसके लिए जो आई एस आर ओ ऐसे टेस्ट व्हीकल्स देखता है तो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है और लिक्विड ऑक्सीडाइजर है प्रोपोल्शन सिस्टम में इसको यूज किया गया है दिस इज वेरी अर्ली प्रोटोटाइप लेट अस वेट देन दिस इज डेंजरस मोमेंट पुतिन शुड सेट सी सेट बैक एज एविडेंस ऑफ द इैशनैलिटी ऑफ वॉर दिस इज ट्रेड टैक्टिक्स फ़ॉर ट्रेड पॉलिसी रिवैम कम्स अमिट स्टरिंग ग्रोथ इन कीन मार्केट इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम मैन्यूफैक्चरिंग तो कर रहे हैं बट वर्ल्ड में डिमांड नहीं आ रही वर्ल्ड में डिमांड क्यों नहीं आ रही बिकॉज यूरोप हुआ अमेरिका हुआ यह रेसेशनरी टेंडेंसी दिख रही है सो देर इज़ नो डिमांड और दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हमारा एक्सपोर्ट डिप हो गया है एक्सपोर्ट डिप हो गया है द गवर्नमेंट विल रिलीज द न्यू फॉरन ट्रेड पॉलिसी इन द कमिंग वीक that could include measures to help push up goods and services export as well as rein in the runaway import bill see export to kam ho gaya hamara aur import kam hi nahi hota import badh raha hai this bill especially fuel ke karan ye ho raha hai but this is a cause of worry हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी काफी डिक्लाइन हो गया है सो हमें इंपोर्ट बिल को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है ताकि हमारे पास ज्यादा पैसे वर्ल्ड से हमारे तरफ आए सो so, जो पिछली पॉलिसी थी वो 2015 की थी इसको एक्सटेंड भी कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड 19 लॉकडाउन एट्सट्रा अभी जो न्यू पॉलिसी है ट्रेडिशनल क्लीन स्लेट फिजिकल ईयर में माना गया है कोविड 19 से रिकवरी भी हो रही है नॉर्मलसी भी आ रही है यूक्रेन क्राइसिस में लेटेस्टी बट ताइवान क्राइसिस फॉर नाउ चाइना थोड़ा बैकफुट पर आ गया है सो so, सी अगर नॉर्मलसी होती है तो डिमांड फिर आएगी और इसके लिए हमें ट्रेड हमारा पॉलिसीज करेक्ट रखना ज़रूरी है सी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 450 बिलियन डॉलर का हिट होगा ये गुड 60 बिलियन सो द नंबर्स में नहीं जाना है द पॉइंट इज हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है इम्पोर्ट को इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है रेवेन्यू बॉयड होते हैं बिकॉज यू नो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमी सही बैठना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक साउंड होना जरूरी है वरना किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती सो वी नीड टू हैव दिस रेवेन्यू आना चाहिए विद रेवेन्यूज इज इट इज़ ऑल्सो टाइम टू द स्टांस टू एक्सक्लूड की ग्रोथ सेक्टर जैसे फार्मा फार्मा इंडिया का फेवरेट है केमिकल्स आयरन एंड स्टील फ्रॉम द ड्यूटी रेमिजन स्कीम यहाँ पे दिस ड्यूटी रेमेजन मतलब इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे हमने ड्यूटी कट्स भी दे रखे थे हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं ताकि रेवेन्यू बॉइंट हो रेवेन्यू बॉइंट हो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ रीबूट करें हम अपने रिलेशंस जैसे अभी यूएई के साथ पैक्ट साइन हुआ सो द आइडिया इज इंडिया को एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ढूंढना पड़ेगा जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है इंपोर्ट कम करती है वो कंट्री का इकॉनमी बहुत साउंड होता है देन दिस दिस इज द नेक्स्ट वन ये जो आर्टिकल है ये लिखा है इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने The ambit of fraternity and the wages of oblivion. Primarily यहाँ पे बात किया है कि इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के थ्रू चलता है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है प्रियम्बल क्या बोलता है प्रियम्बल को हम आई डी कार्ड बोल सकते हैं हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं अवर प्रियम्बल इज वी दीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अन्स्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन्स जस्टिस कौन सा जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी किसकी होनी चाहिए थाट्स एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी होना चाहिए स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग दैम ऑल फ्रेटर्निटी वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी भाईचारा दिस फ्रेटर्निटी हारमोनी होना जरूरी है वी ऑल आर वन फ्रेटर्निटी Assuming the dignity of the individual, dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.

डिस्कस भी करना कि जैसे इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना या नहीं माना गया क्या प्रीएम्बल को 368 के थ्रू हम अमेंडमेंट कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं कर सकते आंसर सो दिस इज द प्रीएम्बल द आइडिया ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अन्न सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप Equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is the preamble of India, a preamble of our constitution. दैन नेक्स्ट इज़ दिस इज़ ट्रेड पॉलिटिक्स अ रिस्की न्यू स्टेटस को चाइना का गेम प्लान समझना बहुत ज़रूरी है चाइना का गेम प्लान किस तरीके से वो जितनी भी लैंड बॉर्डर है उसमें ऑल्टर करना चाहता है अकॉर्डिंग टू दिस चाइनीज विम्जिकल बिहेवियर वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल द फेलियर ऑफ फायर सेफ्टी नॉम्स फ्लड जो है कर्नाटक में आ रहे हैं वैसे तो फ्लडिंग होना नहीं चाहिए दिल्ली में फ्लडिंग होना नहीं चाहिए बिकॉज दिल्ली का ऑलरेडी एलिवेशन ज़्यादा है फ्लडिंग केवल एक ही शहर में जस्टिफाइड नज़र आता है वो होता है बॉम्बे मुंबई बिकॉज मुंबई का सी लेवल बहुत कम है तो मुंबई में फ्लडिंग आना एक बात समझ में भी आता है बट अगर बाकी जगह फ्लडिंग आ रही है जैसे दिल्ली हुआ या फिर से कर्नाटका में देन इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक पुअर प्लानिंग पुअर प्लानिंग यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट हुआ शेयर ऑफ डेथ ड्यू टू नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीजेस बड़ा है ये है रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स की पहचान करना जरूरी है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रूल नोटिफाई किया था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट टू जैसे आप देखते हो कोई भी क्रिमिनल होता है उसका फोटो खींचा जाता है बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं तो ये सारे प्रोसीजर डिटेल में इस एक्ट में दिया हुआ है तो रूल में बेसिकली ये कहा गया है कि पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कलेक्ट स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स इंक्लूडिंग रेटिना आयरस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन तो जो अरेस्ट हुआ है उसका ये बायोमेट्रिक्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कलेक्ट कर सकती है लेजिस्लेशन बोलता है इससे पहले भी दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू पहले भी इस तरीके का नियम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 ये सौ साल पुराना था तो तब इतना टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं था फिंगर इम्प्रेशन फुट इम प्रिंट इम्प्रेशन फोटोग्राफ वगैरह का प्रोविज़न नहीं था बेसिक बेसिक चीज़ें कलेक्ट की जाती थी वहाँ पे जैसे कि लिमिटेड था फिंगर इम्प्रेशन फिंगर लेना फुट प्रिंट का इम्प्रेशन लेना और एक फोटोग्राफ ले लेना कॉन्विक्टेड नॉन कॉन्विक्टेड पर्सनस का मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे तो पहले ये नियम था अब क्या आ गया है रेटिना आयर स्कैन ये सारी बायोमेट्रिक्स भी अब ज़्यादा इंक्लूड की जा रही है अब स्टेटमेंट ये होता है बिकॉज क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश होनी चाहिए एक सेंट्रल डेटाबेस भी बनाना है तो बॉडी मेजरमेंट्स तब नहीं थे बट अब 100 इयर्स हो गए हैं तो 19 जो 20 का एक्ट था अब 2022 है तो अब ये पाम प्रिंट फोटोग्राफ आयरिस रेटिना फिजिकल बायोलॉजिकल सैम्पल्स देन इनका बिहेवियरल एटीट्यूड जैसे कि सिग्नेचर हैंड राइटिंग इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जा रहा है अब द पॉइंट इज परपज़ तो ये होता है कि डी एन ए प्रोफाइलिंग कर रहे हैं फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट बट वॉट इफ़ इसका मिसयूज हो तो मिस यूज होगा तो फिर देन इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है अपोजिशन ने यही कहा कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें प्राइवेसी का दिस प्राइवेसी जा रही है फिर सीआरपीसी के लॉज यहां पे लगाते हैं अब एक चीज और होता है अरेस्ट किया जाता है जैसे कई बार पॉलिटिकल अरेस्ट किया गया है या फिर अरेस्ट किया गया है अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि गुनाह सिद्ध हो गया है गुनाह कॉन्विक्टड होना अलग चीज होती है बट जस्ट ऑन द बेस ऑफ अरेस्ट बेसिस ऑफ अरेस्ट आप सारे बायोमेट्रिक्स अगर कलेक्ट कर लोगे जस्ट ऑन द बेस ऑफ अरेस्ट तो एक ये बहुत बड़ा दिस एक चैलेंज बनने वाला है प्राइवेसी का तो बिकॉज दे आर स्टिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट दे आर स्टिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम्स भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं कुछ पेटी क्राइम्स होते हैं कुछ सीरियस इन नेचर क्राइम होते हैं तो हर क्राइम को हम एक जैसा नहीं बता सकते अब ये जो डिपॉजिटरी होगा क्या इसमें प्राइवेट मेंबर भी इन्वॉल्व होगा ये किस लेवल के ऑफिसर के पास ये इसका एक्सेस होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा फॉर्मेट कितने टाइम तक स्टोर होगा इन सब पे अभी डिबेट चल रहा है लेट अस सी वेट एंड वॉच तो द प्रोविजन इज कि जैसे पुट्टा स्वामी केस ने भी कहा था प्राइवेसी को ओवर किया जा सकता है फोन टैपिंग इज अ थिंग गवर्नमेंट कैन डू लॉट मेनी थिंग्स बट द पॉइंट इज वो बैक्ड बाय एक लजिसलेशन होना चाहिए वो जस्ट इन नेचर होना चाहिए और वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए देन ओनली दिस प्रोविजन ऑफ जो प्राइवेसी है वो ओवरकम किया जा सकता है अदरवाइज नॉट रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स देन दिस इज डोमिसाइल दिस इज आयुर्वेदा श्रिंक फ्लेशन श्रिंक फ्लेशन श्रिंक फ्लेशन का मैं एक आपको फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे वॉट इज श्रिंक फ्लेशन वॉट इज श्रिंक फ्लेशन वेर इज द फोटोग्राफ कि मिनिट श्रिंक फ्लेशन ओके लुक एट दिस फोटोग्राफ ये भी किटकैट है ये भी किटकैट है ये किटकैट भी दस रुपये की है ये किटकैट भी दस रुपये की है दोनों किटकेट है बट इसमें क्वान्टिटी ज़्यादा है और इसमें क्वॉन्टिटी कम हो गई है दिस इज कॉल्ड श्रिंक फ्लेशन श्रिंक फ्लेशन श्रिंक फ्लिश फ्लेशन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके साथ टैंपर किया जाता है बट उसकी रिटेल प्राइस सेम रहती है तो श्रिंक फ्लेशन इज़ वैन अ प्रोडक्ट डाउन साइज इट्स क्वान्टिटी वाइल कीपिंग द प्राइस द सेम फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम में पहले दो स्कूप्स आ रहे थे अब एक ही स्कूप दिया है उन्होंने तो क्वान्टिटी कम कर दिया प्राइस उतना ही है बट क्वान्टिटी कम कर दिया तो इसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन श्रिंक हो गया है श्रिंक हो गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सो कंज्यूमर्स को तो ये लगता है कि पहले भी दस रुपये का ही मैगी था अभी शायद महंगा हो गया दस का ही मान लेते हैं बट क्वांटिटी कम हो गई सेवेंटी फाइव ग्राम से फिफ्टी ग्राम हो गया सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी ओके okay, तो श्रिंक फ्लेशन क्या होता है ये काइंड ऑफ डिसीव किया जा रहा है आपको डिसीव किया जा रहा है ब्रांड्स ऐसे डिसीव कर रही है कि प्रोडक्ट भी वही है और प्राइस भी वही है बट क्वांटिटी कम हो गई है श्रिंक हो गई है सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसीव हो रहा है यहाँ पे फेथफुल नहीं है तो ये चीज़ हर जगह आपको देखने को मिलती है श्रिंक फ्लेशन इस तरीके से होता है और इसके लिए इसके लिए क्या एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रांड्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है उसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बढ़ गई है सो अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे बिकॉज इंडिया में बड़ा सेंसिटिव मार्केट होता है प्राइस बढ़ते ही वो फिर दिस दे स्टार्ट क्वेरिंग और फिर ऐसा लगता है इन्फ्लेशन भी आने लग जाए सो वट दे डू इंस्टेड ऑफ़ रेजिंग द प्राइस वो उसका क्वान्टिटी कम कर देते हैं और एट टाइम्स क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है सो दिस इज़ अ कोज ऑफ वरी श्रिंकफ्लेशन एक यहाँ पर एक काइंड ऑफ कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट जाता है सो दैट इज़ वाई इससे लॉस ऑफ ट्रस्ट भी होता है कस्टमर को फ्रस्ट्रेशन सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो डाउन होते हैं तो द इज जैसे यहाँ पे एक दिया है डेरी मिल्क स्टॉप यूजिंग फॉयल विथ इट यूज टू प्रिवेंट चॉकलेट फ्रॉम लूजिंग इट्स क्वालिटी एंड फ्लेवर इन ऑर्डर टू सेव एक्सपेंसेस तो ब्रांड्स जो हैं उनको कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है बिकॉज महंगाई बढ़ गई प्राइस बढ़ा नहीं सकते वो बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मार्केट और फिर वो करते हैं श्रिंक फ्लेशन श्रिंक फ्लेशन अब ज़रूरी है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जो कंज्यूमर को इंश्योर कराए कि उसके पास राइट right है क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंसी प्योरिटी स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ गुड्स को जानने का इन सब चीजों को हम इंश्योर कराए तो वो एक करेक्ट रास्ता होगा श्रिंक फ्लेशन देन पीएलआई प्लान है अभी सोलर सेल के यूनिट्स के लिए उन्नीस करोड़ का रेसेशन अनलाइकली टू हिट इंडिया एज इट्स नॉट सो कपल इंडिया के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि हमारा डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक मार्केट इज ऑल्सो ह्यूज सो वी आर नॉट डिपेंडेंट वेरी मच ऑन यू एस ए और यूरोप और से गल्फ कंट्रीज हमारा खुद का मार्केट ही ह्यूज है तो हम इंस्यूलेटेड रहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से तो ये चीज़ इंडिया के फेवर में जा सकता है दिस जब वर्ल्ड में रेसेशन आएगा ओके okay? सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस देन यहाँ पर है नक्सल प्रेजेंस दिस राइस आउटपुट इस बार कम हो सकता है ई डब्ल्यू एस कोटा से क्या जो ओपन सीट्स हैं उसका परसेंटेज कम तो नहीं हो गया ये सी जे आई ने का बिकॉज ओपन सीट्स होती है ओपन सीट्स इज़ ओपन टू एवरीबडी सो जब जैसे कोटा बढ़ रहा है तो ओपन नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो कम हो जाती है तो ये एक सवाल पूछा है देन हाउ विल स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर डाइवर्सिटी वेन नन इज अलाउड इन क्लासरूम डायवर्सिटी इज जरूरी हेट स्पीच इज बैड हेट स्पीच को रोकना चाहिए इसके लिए टू प्रून्ज मैथड चाहिए होगी पहला रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जो हेट स्पीच हेट कॉन्टेंट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें और उसको डाउन करें सेकेंड यूजर मेच्योरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड एवरीबडी कंप्लेन की ये जो टी वी डिबेट्स होते हैं दिस इज वेरी टॉक्सिक दिस इज वेरी ऑस्टाइल बट द पॉइंट इज आप देखते क्यों हो फिर उसे आप जितना जिस कॉन्टेंट को देखोगे यूट्यूब में आप जितना वायरल टॉक्सिक कॉन्टेंट को देखोगे दे आर गेटिंग बेनिफिटेड अंडरस्टैंड दिस दे परपजफुली डू ऑल सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज दे परू ऑल सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज से उनको बेनिफिट होता है सो द आइडिया इज यू शुड नॉट फॉल इन दिस ट्रैप यू शुड नॉट फॉलो इन दिस ट्रैप सो दिस इज पी एल आई प्लान एंड देन दिस इज टर्किश प्रेसिडेंट एंड इसराइल प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग देखो ये पूरा जो वर्ल्ड है ना बड़ा प्रैक्टिकल हो गया है अभी यू ए और इसराइल की भी काफ़ी फ्रेंडशिप बढ़ रही है डिस इज माल न्यूट्रिशन थ्रेट एन टू रेज पाकिस्तान फ्लड टूल नाउ दीज आर द रियल चैलेंजेस हंड्रेड एंड मिलियन ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ये फ्लड के बाद पोस्ट फ्लड जैसे कि डिसीजेज हो रही है वॉटरबॉन डिसीजेज हो रही है लाइक दैट देन यू एस कैनेडिया कनाडन दिस वॉरशिप और जर्मनी नेशनलाइज फर्स्ट चाइना बोल रहा है देन पुतिन फोक्स वैगन भी देखो प्राइस बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंफ्लेशन देन रेसेशन इंडिया में नहीं आएगा टी वी एस मोटर और हरमनप्रीत ने बहुत अच्छी बैटिंग की यहाँ पे सो दिस इज द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो मैक्रोन इंड यूएस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला हमारे नॉट एरा ऑफ वॉर नॉट एरा ऑफ वॉर उट राइटली हॉस्टाइल आउट राइटली दिस टॉक्सिक इट से लॉ इज ब्रॉड इट मे कंसिडर प्लेसिंग गाइडलाइंस ऑन द लाइन ऑफ विशाखा अगेंस्ट सेक्शुअल हेरासमेंट एंड वर्क प्लेस एज वेल देन दिस इज सी मुंबई पुलिस मैप साइबर क्राइम्स हॉटस्पॉट साइबर क्राइम इज़ ऑन राइज तो ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जैसे फेक लोन एप्स है ये वेस्ट बंगाल बिहार में बहुत चलता है सेक्सटॉशन एक और यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड है साइबर थ्रेट है इंश्योरेंस स्कैम है इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम है इन्वेस्टमेंट स्कैम है तो ये सब अभी रडार पे है हमारा जो साइबर सेल है इट इज़ वेरी रोबस्ट वेरी मच केपेबल सो दिस इज़ साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स देन दिस इज़ वर्ल्ड कार फ्री डे है कार पुलिंग साइकिलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस पूलिंग का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कार पुलिंग दैन ई डब्ल्यू एस एंड सी इंडिया वॉज सस्पिशियस ऑफ यू एस फॉर नीयरली फाइव डेकेट्स ये फेस्टिवल है एंड देन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी बढ़ रही है लाइफ स्टाइल डिसीजेज बढ़ रही है यू हैव टू बी लाइक एक्टिव देन दिस इज सेफ जर्नी स्पीक टू द वर्ल्ड लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स की प्लास्टिक एक बहुत बड़ा थ्रेट है हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस अगेन डेथ अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे संज्ञान ले रहा है लेट अस वेट एंड वॉच आइडिया वही है कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देन दिस इज अंबेडकर सर्किट एंड सी रशियन मिलिट्री फिर से मोबिलाइज हो रही है और तीन लाख यहाँ पे रिजर्विस्ट अभी रोपिन करने की बात है कॉन्स्क्रिप्शन की भी अभी एस सच नहीं है बट कॉन्सक्रिप्शन क्या होता है मैंडेटरी आपको फौज ज्वाइन करना पड़े तो लेट अस सी ये मैटर एस्केलेट होता है तो वर्ड को और डिफिकल्टी आएगी फेडरल रेजेस सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट और सी इंडिया डिकपल्ड है वर्ल्ड इकोनॉमी से हमारा डोमेस्टिक डिमांड बहुत बड़ा है फॉरेक्स रिजर्व सफिशेंट है कंपनीज मेंटेनिंग हेल्दी बैलेंस शीट तो हमें इतना थ्रेटन नहीं होना चाहिए रिसेशन से फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है लेटेस्ट सो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली सेफ रहना चाहिए फ्रॉम दिस रेसेनरी टेंडेंसी मून लाइटिंग विप्रो फायर दीज मेनी वर्किंग फॉर कॉम्पिटिटिव मून लाइटिंग क्या होता है आप एक रेगुलर जॉब तो कर रहे हो बट एडिशनली आप ऑफ टाइम पे दूसरा जॉब भी कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम में ये चीज बहुत ज़्यादा दिस राइज हो गया था मून लाइटिंग बट मून लाइटिंग में अगर आप कॉम्पिटिटर के साथ भी काम कर रहे हो जैसे आपने विप्रो में भी जॉब ले लिया टीसीएस में भी ले लिया इन्फोसिस में भी ले लिया साइमल्टेनियसली यू आर वर्किंग इन दिस थिंग तो अगेन यहाँ पे ऐसा एक्शन लिया गया सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑल राइट ये आज के सवाल हैं प्रिपेयर अ नोट ऑन राइनो पॉपुलेशन एंड दिस इज प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आज हम प्रीवियस डिस्कशन करते हैं सेवेंटेंथ इज पेंडिंग ऐसे हमने देख लिया था सेवनटेंथ इज पेंडिंग आंसर राइटिंग सबको करना है आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल स्पेशल क्लास में भी मैंने समझाया था आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट सी सौरभ सौरभ बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सौरभ इज डूइंग रियली रियली गुड वर्क फ्रॉम होम एक्सप्लोर करो क्या हो सकता है वर्क फ्रॉम होम और फिर उसको इवेलुएट करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है एक्सप्लोर करो और फिर इवेलुएट करो किस कॉन्टेक्स्ट में फैमिली रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में फैमिली रिलेशनशिप बिकॉज वर्क फ्रॉम होम हो गया वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं जैसे कोई फैमिली है उसमें हस्बैंड इज आल्सो वर्किंग वाइफ इज आल्सो वर्किंग एंड देन एट टाइम्स क्या है आपके पास रूम एक है लैपटॉप एक है सपोज देन आप कैसे वर्क शेयर करोगे कैसे क्या उसका इम्पैक्ट होगा ऑल द टाइम यू आर इनसाइड योर हाउस देन इससे क्या डिफिकल्टी आती है साइकोलॉजिकल इमोशनल एट्सट्रा फैमिली रिलेशनशिप में बट एक चीज ये भी होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसा होने लग गया था उनको टाइम ही नहीं मिलता था दे डोंट यूज टू गेट टाइम टुगेदर नाउ गेटिंग दे आर गेटिंग दैट टाइम सो फैमिली रिलेशनशिप बेटर हुआ सो दिस इज वर्क फ्रॉम होम के सारे प्रोज एंड कॉन्स सो सी अब देखो सौरभ कितना नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक लिखता है लर्न दिस थिंग सी फिजिकल डिस्टेंस ही हो गया है देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया लॉकडाउन हो गया अच्छे से फ्लो में समझाया एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है वंडरफुल दैन इसका वर्क लाइक बैलेंस कैसे हुआ बिकॉज पता है वर्क फ्रॉम होम में वी एंड ऑफ डूइंग अलॉट ऑफ वर्क वैसे तो नाइन टू फाइव वर्क होता है बट वर्क फ्रॉम होम में लाइक ट्वेंटी फोर आवर वर्क हो जाता है सो दिस इज अगेन वेरी टैक्सिंग कीर्ति दिस इज अगेन रियली गुड वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट वेरी गुड स्टाइल वंडरफुल डेकन ट्रैप अब ये पूरा डेकन पैननसूल्ह बताना था और इसमें जोग्राफी लिखनी थी मिनरल्स ऑयल एंड गैस विन वेरी गुड सौरव ने ये सेकंड क्वेश्चन लिखा दिस इज अगेन रियली गुड ओरिजिन कैसे हुआ डेकन ट्रैप का डायग्राम सी जोग्राफी का मतलब डायग्राम वेरी नाइस दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कॉपी वंडरफुल पूजा यू आर अगेन डूइंग रियली गुड वर्क वर्क फ्रॉम होम क्या होता है पॉजिटिव साइड्स नेगेटिव साइड्स वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है देन अमरजीत ने भी बताया बहुत अच्छे से फैंटेस्टिक हिंदी बहुत अच्छे से लिख रहे हो डेकन ट्रैप वेरी नाइस अब देखो पूरा जोग्राफी भी एक्सप्लेन किया फेंटेस्टिक देन नंदनी चेंजेस क्या है तो सी कितना आसान होता है चीजों को करना बस आपको स्टार्ट करने की जरूरत है कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको आंसर लिखने के लिए विल पावर चाहिए राइट इट इक्वालिटी नेगेटिव ये सारी चीजें आपने मेंशन किया वेरी गुड दिस इज रियली रियली गुड ओके सो आपने ब्लैक सॉइल रिवर एनर्जी कॉन्क्लूजन ये सब बताया फेंटेस्टिक देन रत्ना प्रिया आपने भी बहुत अच्छे से लिखा है दिस इज वेरी गुड वर्क फ्रॉम होम के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं सी वेरी इजी एंड वेरी गुड देन ये डेकन ट्रैप के बारे में बताया जोग्राफी मतलब डायग्राम जोग्राफी मतलब डायग्राम पूजा दिस इज अगेन गुड वर्क फ्रॉम हो सी पॉजिटिव तो हम कितने अच्छे से हैडिंग सब हेडिंग कर रहे हैं सेग्रीगेट कर रहे हैं अलग अलग हैडिंग्स में दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इससे आप ऑर्गेनाइज होते हो सुर भी बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी भी डेकन ट्रैप क्या है बताया आपने दे नेशनल रिसोर्सेज इसको थोड़ा और एलेबोरेट करो सपना वेरी गुड सपना वेरी गुड दिस इज रियली गुड सी डेकन ट्रैप क्या है आपने बताया वेरी गुड ये डेकन ट्रैप है नेचुरल रिसोर्सेस क्या है और और पॉइंट्स लिखो यहाँ पे इसको एलेबोरेट करो हाँ ज्योग्राफी अदिति वेरी गुड सी ये पूरा कितना अच्छा डायग्राम है दिस इज रियली गुड डायग्राम देन ये सारे पॉइंट्स बताया आपने सॉइल्ट इकोनॉमी और एक कॉन्क्लूजन भी लिखो यहाँ पे है ना देन दिस इज वर्क फ्रॉम होम इसमें बहुत अच्छे से सोशोलॉजी डिफरेंट पॉइंट्स बताने थे फैंटेस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव पूजा दिस इज गुड जोग्राफी मतलब डायग्राम ऑरिजिन पोटेंशियल नेचर मिनरल्स वेरी गुड गुड नेहा ने भी अच्छा पॉइंट लिखे हैं सारे वेरी नाइस वर्क फ्रॉम होम के क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए वर्क फ्रॉम होम पता है अब जाएगा नहीं फ्यूचर इज हाइब्रिड इन नेचर देन नेहा वेरी गुड डेक एंड ट्रैप के बारे में लिखा सारे पॉइंट अभी इन डॉट्स के बजाय हम यहाँ क्यों ना नंबर्स लिख दें वन टू थ्री फोर फाइव थिंक आशा लुकेट दिस डायग्राम दिस इज सो ब्यूटिफुल वेरी गुड आशा

गुड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इलेबोरेट करो से देन सुनीता वेरी गुड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव सी वेरी नाइस वर्किंग फ्रॉम होम जो है ये जरूरी है देन जो नेक्स्ट बताया डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज विंड सोलर पर्टिकुलरली डेकन की इकोनॉमी वहाँ की जोग्राफी से डिराइव्ड देन वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया ये डायग्राम स्टाइल अच्छा है बहुत नकारात्मक प्रभाव क्या है गुड सुंदर डब्ल्यू एफ एच पॉजिटिव नेगेटिव वेरी नाइस गुड कॉन्क्लूशन बैलेंस्ड कॉन्क्लूशन डायग्राम इज रियली गुड आपकी कॉपी अच्छी होती है वेरी गुड दमन दिस इज अगेन रियली गुड मैप है डेकन कॉन्क्लूशन शालिनी मैप इज गुड डेकन ट्रैप क्या होता है इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है अंडरलाइन भी करिए देन वर्क फ्रॉम होम थोड़े और पॉइंट्स हैं यहाँ पे देन हरजिंदर पॉजिटिव नेगेटिव बताया आपने गुड देन सैमुअल दिस इज मैप देखो कितना अच्छा है प्रोपोर्शनेट है देन एस्पेश सी दो मैप आ गए वेरी नाइस जूम करके देन लोकेशन एंड ऑल वेरी गुड कुछ रिसेंट कोई इनिशिएटिव एंड एग्जाम्पल्स भी बताइए टिक के बजाय ना हम नंबर लिख दें यहाँ पे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर कर दें जैसे ये लिखा है फिर कई बार हम रोमन नंबर्स लिख सकते हैं ए बी सी डी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करें हम वेरी गुड शगुफ्ता आप बहुत अच्छा कर रहे हो कॉन्टिन्यू रश्मि दिस इज अगेन रियली गुड सी वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया पॉइंटर्स एरो के बजाय नंबर्स लिखे हैं पे सब हेडिंग हेडिंग नंबर्स ये एक बड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन लेना था यहाँ पे कि वर्क फ्रॉम होम बैड भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि दिस इज लाइक वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए देन इम्पैक्ट नेगेटिव राम नरेश वे फॉरवर्ड कॉन्क्लूजन वेरी गुड स्ट्रक्चर मैप इज गुड देन यहाँ पे ब्लैक सॉइल डेकन इकोनॉमिक पोटेंशियल और हाईलाइट करो और लेटेस्ट चीजें बताओ अभी क्या इनिशियटिव हुए हैं यहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड दिपाली इम्पैक्ट फॉर वर्क दिस स्टेबुलेशन इज गुड दिस इज अ गुड मैथड वे फॉरवर्ड मैप वर्क अगेन वेरी गुड अपसी देखो ये कितना एलेबोरेट है मेटेलिक नॉन मेटेलिक नॉन मिनरल राइट जोग्राफी राइट सिलेबस ऑफ जोग्राफी उसके आस आसपास लिखना है देन नेहा फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बताना इसमें कुछ न्यूज़ आइटम्स लिखो कुछ लेटेस्ट कोई फाइंडिंग्स बताओ कुछ केस स्टडीज लिखो इससे आंसर और ज़्यादा आपका दिस टू द पॉइंट बनेगा और ज़्यादा यूनिक बनेगा रिलेवेंट बनेगी अब देखो आशीर्वाद ने कितना अच्छा स्टाइल लिखाया तेरा पॉइंट बताया वर्क फ्रॉम होम फैमिली नेगेटिव इंपैक्ट बताया बहुत अच्छा एग्जांपल्स के थ्रू बताया वेरी नाइस दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एग्जॉस्टिव कॉपी वंडरफुल शगुफ्ता दिस इज गुड डेकन ट्रैप के बाद मैप बेटर करे मैप ना प्रपोर्शनेट होना चाहिए हमेशा थोड़े और पॉइंट्स लिखिए यहाँ पे ये ये कितना अच्छा है दिस इज गुड वेरी गुड देन आरती दिस इज अगेन रियली गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया आपने नेगेटिव इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड टू द पॉइंट है कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता सकते हो आप जैसे कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की रिपोर्ट एटसेट्रा थिंक फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट एन की रिपोर्ट थिंक देन दिस इज गुड देन आशीर्वाद दिस इज गुड मैप भी है कॉन्क्लूजन वेरी नाइस तो डेकन ट्रैप इज इम्पोर्टेंट एक कमेंट और न्यू है लेट अस सी ट्राई टू पोस्ट योर आंसर्स बाय 5 पी एम के okay. ने फाइव मिनट पहले ये पोस्ट किया सी कोविड नाइन्टीन के कारण क्या प्रॉब्लम हुआ वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम से कॉस्ट कटिंग हो जाता है बहुत सारे सप्लीमेंट्री खर्चे कम हो जाते हैं आपके है ना और बहुत ज़्यादा फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है ये सारी चीज़ है सो फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू लाइक की प्रॉपर ऑफिस या प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम ओनली इट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड इट इज़ गोइंग टू बी हाइब्रिड अब सिमिलरली ये दोनों सवाल भी तैयार करिए एंड पोस्ट शेयर योर आंसर्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ